आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि आपका जो ये आने वाला साल है, जो भी आ चुका है ये साल 2024, ये बहुत ही अच्छा जाए। आपकी जो मनोकामना है वो सब पूरी हो और आप खुश रहें और दूसरों को भी खुशी दें। और यही है, लाइक आई हैव बीन थ्रू अ लॉट इन 2023 एंड आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस सेम। सो आई स्टार्टेड माय डे विद लाइक यू नो केक थ्रू, मीठा केक जो मैंने खुद बनाया था अपने लिए, और मैंने सोचा कि भगवान को भी मैं चढ़ा दूँ। भगवान के थ्रू ही मुझे मिला था, उन्होंने ही मुझे ये सपोर्ट किया। आज जो मेंटली मैं स्ट्रांग हो रही हूँ अभी आस्ते आस्ते, इसीलिए आंखों चीज़ें होती हैं हम छुपाते हैं अपने पीछे, अपने होता है ना, अपने अंदर में छुपा के रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं। तो मेरा यही है कि मैं बहुत हंसती हूँ उड़ती हूँ, लेकिन अकेले में मुझे रोना भी आता है। तो इसी तरह से मैंने अपना दिन स्टार्ट किया। सो गाइस, सो इसी तरह से हम लोगों ने केक वेक काटा, मेरी सेंस पे जाके सो गई थी। तो बात क्या हुआ कि मैं मतलब फूंकना ही भूल गई थी कैंडल को, तो अच्छा ही है, लेकिन लाइटन अप माई डे द स्टार्ट ऑफ माई ईयर। केक खाने के बाद तो मेरी सिस्टर जाके फटक से सो गई, क्योंकि वो थकी थी, वो काम को 31st में भी उसका बहुत काम था इसीलिए। और मैं वैसे ही बरामदे में खड़े होकर इधर उधर जो पटाखे फुटा रहे थे और मम्मी को फ़ोन करके विश कर रही थी, सबको विश करने के बाद में मैं भी अराउंड 3:30 के मतलब कि ना सुबह 3:30 के करीब सो गई थी। अराउंड सुबह 6:30 के करीब मैं उठी, उठने के बाद में मैंने झाड़ू वगैरह जो भी घर का जो नॉर्मल काम होता है हमारा, वो मैंने कर लिया था, ख़त्म कर लिया, नहाया धोया फिर पूजा कर लिया था। उसके बाद में मैंने एज अ लाइक यू नो सुबह चाय पीने का बहुत मन किया था, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी लिया विदाउट शुगर विद केक, ये खाया। उसके बाद में मेरी सिस्टर को भी खिलाया और इसी तरह से हम लोगों ने अपना दिन स्टार्ट किया। और मुझे दादी के घर से बुलावा आया था कि हम लोग अब छत पर आज ड्राई पिकनिक करने वाले हैं, तो जल्दी आ जाना। तो मैंने पटक से फिर तेल लगाया कि माई हेयर इज़ कम्प्लीटली गॉन ड्राई। तो अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद में फिर मैंने बन बना लिया। उसके बन बनाने के बाद में मैं जो हम लोग ने चाय पिया था उसके बर्तन धोने चली गई मैं, ताकि मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो दूँ और फिर ब्रेकफास्ट के लिए मैं रेडी कर लूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर है वो बाहर जा रही थी काम करने के लिए। एक्चुअली उसके क्लाइंट का कॉल आया उसे मतलब कि आने के लिए, क्योंकि उसके जो क्लाइंट्स हैं वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं वेकेशन के लिए, और उससे उन पर थोड़ा सा वर्क करना था। इसीलिए उसके लिए मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में, तो मुझे याद आया कि कल एक दिन पहले मैंने चाव भी मतलब बॉईल करके रखा हुआ था। सो मैंने प्लान किया कि मैं उसी को नाश्ते में बनाऊँगी और उसके लिए बना के और कुछ थोड़ा सा मैं भी लेके जाऊँगी और उसे मैं यही ब्रेकफास्ट में बना के दूँगी ताकि उसे अच्छा लगेगा। तो मैंने फटाफट से चाव बनाया। वैसे मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ अपार्ट फ्रॉम KFC, डोमिनोज, पानी पूरी वगैरह इतना नहीं खाती हूँ मैं। सो चाउमीन भी मैं इतना नहीं खाती हूँ, मैं मोमोज प्रेफर करती हूँ चाउमीन के ऊपर में। सो मैं घर में भी इतना नहीं बनाती हूँ। तो मुझे कुछ दिनों पहले ऑर्डर्स आए थे चाउमीन के लिए, लेकिन मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ चाउमीन में, सो मैंने बना के उनको मतलब ऑर्डर्स प्लेस नहीं किया। सो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ। सो आई होप ये जो मैं बना रही हूँ प्रोसेस राइट होगा। और मैंने सोचा कि मैं यही बना के मैं अपनी बुआओं को भी टेस्ट कराऊँगी, उनको कैसा लगेगा वो मुझे बताएंगी, प्लस मेरी सिस्टर को भी ब्रेकफास्ट भी यही दूँगी, लगे हाथ मुझे रिव्यू मिल जाएगा, उसके बाद में मैं ऑर्डर्स ले सकती हूँ। नाश्ता रेडी हो चुका था और मेरी सिस्टर को मैंने बुलाया नाश्ता के लिए, और साथ ही साथ मैंने अपने लिए मिल्क कॉफ़ी बनाया, क्योंकि मिल्क कॉफ़ी 1 कप मुझे चाहिए होता है दिन में अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। और ऐसी तरह हम लोगों ने सर्व किया, एक दूसरे के साथ थोड़ी बातें की, प्लानिंग्स किया, उसके बाद में हम लोग दादी के घर के लिए निकले। हैप्पी न्यू ईयर पार्टनर। हाय हाय बेचारा, अभी आपको खड़ा ही नहीं है बोलना, पहले ही खराब बोलना सुनने से क्या होगा। हेलो, शादी हो गया? शादी तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, शादी भी हो जाए। अगले साल के 20 तक 24 2024 जून जुलाई तक बच्चे भी हो जाए, है ना, और उसके बाद में 27 में स्कूल भी जाना शुरू करे बच्चे। अच्छा यहाँ पे रोक दीजिए भैया, थैंक यू सो मच, जाएगा भैया, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बहनी, थैंक यू सो मच। हैप्पी
हैप्पी न्यू ईयर, आशीर्वाद धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, विशिंग यू अ ग्रेट स्टार्ट अहेड and being very very beautiful, yes and being healthy and sweet and successful, yes, and nothing more than that. Happy New Year, bro. Happy New Year. सो सबसे मैं मिल रही थी बड़ों से और सबसे मैं आशीर्वाद ले रही थी क्योंकि यह साल का पहला दिन भी था और आशीर्वाद लेना बनता है। ये मेरी बुआ, हैप्पी न्यू ईयर, राम राम। हैप्पी न्यू ईयर, आशीर्वाद, हैप्पी न्यू ईयर। और को कोई परफ्यूम दसना है आज चाने पावने बैठे न्यू ईयर सब दियो, आशीर्वाद 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 वाला आशीर्वाद छ यो साल राम्रो हाम्रो यहाँ न्यू इयर को पार्टी हुने छ उ छोरा छोरा राख छ हैप्पी न्यू इयर छोरी उ डिजन छोरा छ नि गाना लाग्नको लागि एकदमै बिजी मा नि के भयो ल हाम्रो यहाँ नि बेलुनहरु स्टार्ट भएर यहाँ नि केक काट्नको लागि रेडी हुने छ अब सबै जना ल उ ठुलो छोरा आउँदै छ सबै जना हैप्पी न्यू इयर सो अब देखते हैं बुआ लोगों ने क्या बनाया था लंच में। दिस इज मेड बाय माय दिस बुआ हुपू एंड योर चे दिस वन आल्सो फॉर मी फ्रॉम यू फ्रॉम ताराबरमा फ्रॉम ताराबरमा चिकन एंड दिस इज फिश बॉयल एंड व्हाट इज दिस दिस इज चिकन बॉयल चिकन बॉल लोकल चिकन बॉल लोकल चिकन एंड दिस इज मिक्स वेजिटेबल दिस इज पालक पालक बॉयल स्पिनच एंड व्हाट इज दिस दिस इज चटनी चटनी ओह माय गॉड मैं बहुत भात खा रहा हूं अभी भी खाना खाया मैंने एंड व्हाट इज दिस ये क्यों चिकन पनीर पनीर आई थिंक पनीर पनीर एंड व्हाट इज दिस दिस इज ऑल टाइम फेवरेट ऑफ नागालैंड बॉयल एंड एंड दिस इज चिकन दिस इज चिकन वेट एंड नेपाली ओरिजिनल दिस इज ओरिजिनल नेपाली चटनी गुन्द्रुक गुन्द्रुक एंड पकड़ द एंड एंड टू टॉप दिस अप एंड टू टॉप दिस अप वी हैव दिस वन Rice. Okay, whiskey. Without this, all this is pika pika. And to like you know, hey, Suna. Or isko kya bolte hai? I like your lipstick color. Wait, na mixed up. Shat shat isko matlab ki ye chada hai bol ko pata lagna hai na? Ye hi batayega apko. Ye hi proof hoga. Wait, let me see. Wait. Lipstick. See over here. Happy birthday, no New Year. Oh, Happy New Year. Oh my God, who is this pretty? अरे मतलब आंटी लागर ना। इसी तरह से मेरे फूफा जी और मेरे कजिन्स खाना खाने बैठे वो लोग खाना खा रहे थे और मैं एज़ यूज़ुअल गप मार रही थी दादी और बुआ को बड़ी बुआ को मैं कहानी सुना रही थी और साथ में मैं भी सारा सा सैलड खा रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने बहुत हैवी कर लिया था तो दादी और बुआ को ये बता रही थी कि रात को मेरी सिस्टर जो कज़न सिस्टर वो जो मेरे साथ रही थी उसने कैसे मेरे कम्बल ताना और मुझे रात को उसी बिस्तर चादर से उड़ के ही मैं सोई ठीक छ पातला भइहाल्छ चिन्ता नगर्नु सन्तरा दिनु त छोटा वाला सन्तरा है ये घर में क्या बन चे उगाया हुआ संतरा है तो इसी को ऑर्गेनिक है ये बहुत खट्टा है इसीलिए हम लोगों ने इसे प्लान किया कि इसे चीनी और नमक के साथ मिला के खाएंगे क्योंकि इतना कड़क धूप
और ये बगीचा है, आप देख सकते हैं बगीचा में वहाँ पे निकला था। तो जो ये लेके आई हैं ये है एतानु तो हाय गोर्दिनु, ये संतरे की मालकिन है। तो मैं सेकंड फूफू हूं, ये सेकंड फूफू है। तो ये जो है ना हम लोग इसको और मर्चा वर्चा डाल के अपने हाथों से पाला है और अब हमें इस सबके मुंह में डालना है। ये बहुत खट्टा है मेरे लिए, मैं खट्टा नहीं खाती हूँ। ये हम लोग नेपाली में इसको संतरा नहीं बोलते, हमको सुन्तला बोलते हैं। सुन्तला सुन्तला ना चितवन में मिलता है, नेपाली का चितवन में ना, नेपाल का चितवन में बहुत अच्छा मिलता है। तो हमारा बुआ जो है उनका चितवन है ना वहाँ में है, वो रहा उसको हम चितवन बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं वो जो कोना है ना वहाँ पे वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, केरे फूफू के फ्रूट गरे थे, ड्रैगन फ्रूट भी है, ड्रैगन फ्रूट भी निकलता। और ये दूसरी वाली बुआ है, ये बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है इनका, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नाक फूले, नाक फूले, इनका नाक फूल गया है, इनका नाक फूल गया है, फूल गया दिख रहा है इनको। देखिए ये आज ना ऐसे लग रही है जैसे पुलिस ऑफिसर है, देखिए गए थे तो ये बुआ ने मस्त खाया था वो बड़ा वाला टेंगा, तेल लेना है ना मीठा तेल, इसको ऊपर में हाँ इसका ऊपर में मीठा तेल देना चाहिए, बहुत मस्त अंजलि, बहुत झकास टेस्ट आएगा, बहुत झकास टेस्ट आएगा, नेपाली स्टाइल का टेस्ट आएगा। तेल ले रहा है ना, सरसों का तेल, सरसों का तेल लेके आइए। तो सब लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, ये दादी है, दादी के बाद में ये बुआ है, बड़ी वाली बुआ ऐसा है दिन, तो ये बड़ी वाली बुआ है, फिर ये सेकंड है, फिर वो थर्ड आ रही हैं। देखिए ये नमक मीठा तेल लेके आ रही है, और दूसरी वाली छोटी वाली यहाँ बैठी हुई है, ये मेरे को पता है कुछ भी हो। ये देखिए इस तरह से हम लोग मीठा तेल देते हैं, बुआ लेके आई है। और लास्ट टाइम भी जब हम लोग असम गए थे तो इन्होंने मत करना खाया था, उसके बाद में जो हालत खराब हुआ था। सब खाने में व्यस्त थे और मेरी बुआ जो है अकेले ही डांस कर रही थी, उनको डांस करना अच्छा लगता है और मैं उनकी पार्टनर हूँ, हम साथ में मिलके डांस करते हैं। शो हम लोगों ने प्लान किया हम कि रात को ही डांस करेंगे क्योंकि बहुत गर्मी थी ऊपर में, इसीलिए ये ले जाना।
वो अपना फोटो देखने में मस्त है। ये मेरी पार्टनर है, ये मेरी नहीं, वो मेरी माँ नहीं, बुआ नहीं नहीं, वो मेरी पार्टनर है जो वहाँ बैठी है, वो चूज कर रही है उनमें कौन से फोटो में वो अच्छी आई है, अदर उनको डिलीट करना सिखा देने, सब फोटो डिलीट कर देंगे। कह रही थी मुझे नहीं खींचने, नहीं खींचने, खींचने के बाद बोलती है दिखाओ फोटो दिखाओ। सिंस देर हो चुका था, मुझे चावल खाने का मन नहीं था, लेकिन जो भी बचा कुचा थोड़ा सा छाव में लेके आई थी घर से वो, और चिकन और सैलेड खाया। मुझे सैलेड इतना पसंद आया, उस पर लेमन ग्रास दिया हुआ था बुआ ने, तो मैंने उसी को खा के अपना जो दिन का खाना था वही खाया मैंने। मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने बुआ को ये कहा कि बचा के रखना, रात को अगर बच जाता है तो मैं ही खाऊँगी, ये जो बचा कुचा है वो मैं। और ये जो सूप है ये पीने वाली है, इनको बहुत पसंद है, इसमें इन्होंने लेमन ग्रास भी दिया है। मैं बैक कैमरा से दिखा देती हूँ, ऑटो में तीनों किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, जो थोड़ा तबीयत उनकी ठीक नहीं है उनको मिलने जा रहे हैं। बुआ भी उतर चुकी हैं और ये है बाबू, हैप्पी न्यू ईयर। गंदे बैठे दादू, लोगों ने विजिट कर लिया उनका घर, उजाले में आए थे अंधेरे में जा रहे हैं ना। एक भैया को मिलने के बाद मैं सोचा कि सामने ही उनका एक और भैया का घर है, उनको भी मिलके जाते हैं, तो इसी तरह से गेट खोलने के लिए बहुत देर तक वेट करते रहे, और बुआ जो है वो नीचे से ऊपर से जहाँ से भी हो सके चिल्ला चिल्ला के गेट खोलने के लिए बोल रही थी। फिर हम लोगों ने आइडिया लगाया कि हम कॉल ही करके उनको बुलाते हैं, मतलब किसी और को बुला के उनको कॉल करके बोल दें गेट खोलने के लिए। साल के पहले दिन में हम लोग आके यहीं पे मिलने वाले हैं, इसीलिए अब वो फोन कर रही हैं। और ये बुआ भी देखिए, इन्होंने स्वेटर भी नहीं पहना है, गेट बंद ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, और मैं घर जाना चाहती हूँ। अब हम दूसरे के घर पे आ चुके हैं। तो बुआ लोग बैठ के बात कर रहे थे, वो ही उनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो हम लोग जो है ये रोटी उन्होंने सर्व किया हमें, ये नेपाली रोटी है, बहुत ही अच्छा था। अभी तिल की चटनी, मिर्ची और तिल की चटनी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। कैसा है? बना होता है काम में, अच्छा है। और ये देखो खा रहा है, और उन्होंने बनाया है दादी ने, उन्होंने बनाया है, बहुत टेस्टी है। मुझे रोटी इतना नरम लगा कि मैंने दादी के लिए दो रोटी पैक की। देखिए हम लोग आए थे जब धूप था, अब हम जा रहे हैं जब अंधेरा है, है ना। हमारे यहाँ पे ठंड बहुत बड़ी है, आपकी वहाँ पे ठंड कैसा है पक्का प्लीज कमेंट में बोलिएगा। अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है आज मेरी हिंदी में थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। हाँ गाइस प्लीज बताइएगा, मैंने आज पहली बार ये दो तोला का सोना लगाया है कान में, डुप्लीकेट वाला, तो आप बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, है ना। आज ही लगा कौन दे दो, मेरी बुआ भी बोल रही है कि आज मैंने पहली बार पहना पहना है। ऑटो दे, ऑटो वाले भैया थोड़ा बिल काटा लो। हम लोग आ गए हैं, अभी दादी के पास चलते हैं, और मैं दादी के लिए मैंने रोटी लाया हूँ, मैं दादी को रोटी दूंगी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है जो हम लोगों ने खाया था, तो मैं दादी को ये रोटी दूंगी और उनको खुश कर दूंगी।
ओ आए इबो चाहिँ तपाईलाई मैले सेल रोटी ल्याइदिएको न कस्तो नरम छ कस्तो नरम छ कस्तो नरम छ खानु न मैले नखाइ नखाइ तपाईलाई ल्याइदिएको यो ह्याप्पी न्यू इयर ह्याप्पी न्यू इयर भन्न किन बोझलाई याद आयो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डांस किया, थोड़ा मस्ती। दादी मुझे बोल रही थी कि जाओ जाओ डांस करने के लिए, तो मैं थोड़ी थकी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं जब सब कर रहे हैं। तो मैंने पहले कहा था हम एक दूसरे के साथ मतलब यू नो फुल ऑन मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। और मेरी दूसरी बुआ अभी वो गाना चॉइस कर रही थी कि कौन सा गाना है, हम तो नाच ही जा रहे थे, जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है उसी पर डांस कर रहे थे हम लोग फुल ऑन मस्ती। और दादी को लाइक यू नो खुश करने के लिए, और ये नया साल हमेशा लाइक यू नो हमें खुशी ला के दे, और दादी को भी लाइक यू नो फ्रेशनेस फील हो, इसीलिए जम के डांस किया। बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, फिर भी हम डांस कर रहे थे। मैं यही चाहती हूँ कि दादी हमेशा खुश रहे, सब परिवार खुश रहे और सब इंजॉय करे। इसी तरह से हम लोगों ने फुल ऑन नेपाली, गढ़वाली, यू नो असामीस, जितने भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स थे उस पे सब पे डांस किया। पुराने नए जितने भी गाने थे सब पे भरपूर डांस किया और हम थक गए, इसी तरह हमारा डांस ओवर हुआ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप लोगों को ये हो रहा होगा कि हम लोगों ने खाया कि नहीं, वो जो ऑरेंज था हम लोगों ने नहीं खाया, ये बहुत ही खट्टा है। और एक्चुअली हम लोगों ने यहीं पे इसे डिस्पोज कर दिया, हमें पसंद नहीं आया, ये बहुत खट्टा है हमारे लिए, आज के लिए बहुत खट्टा है। वो आपको खाना था, खाना था आपको ये बहुत खट्टा है ना। तीनों फूफा जी ने खाना खा लिया था, उसके बाद मैं दादी के साथ बैठ के वो गप मार रहे थे। छोटे वाले फूफा जी यहाँ पे नहीं है, वो काम से बाहर ही हैं। और हम मैंने सोचा कि मैं भी डिनर कर लेती हूँ, डांस वांस खत्म हो लिया हो गया था, और मैं बुआ लोग के साथ बैठ के खाना खाने बैठ गई। सेकंड वाली बुआ, थर्ड वाली बुआ, ये फोर्थ वाली बुआ, खा रहे खाना खा रहे। और मैं भी दिन में आज पहली बार चावल खाने जा रही हूँ, ये लेकिन मेरा जो फर्स्ट बेस्ट पार्ट होता है पॉट ना, वो गायब हो गया। वो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है वो, मैंने इसलिए पूछा कि ओपे यहाँ रही छंता, हाँ यहाँ है ना मेरा फेवरेट पार्ट। मुझे निशाल निशाल ने बात करी तो ने सो देखे ना मुझे तेरे खाई दिन छंता मैं खाई तो खाओ मैं सुबह से ना खाओ मैं सुबह से ना खराब ना पाए और वो खा तो ना दोस्त मन बचाइए, ये मेरा फेवरेट है, मैं तो डर गई थी किसी और आज हमारा डिनर खत्म, और इसी तरह से हैप्पी न्यू ईयर, साल भर हम लोग अच्छे से खाएंगे, मस्त रहेंगे, सब लोग खाएंगे मस्त रहेंगे। और 24 सॉरी छोटी वाली बुआ और मेरा चैलेंज है कि हम लोग पतले होंगे, और ये वाली बुआ का चैलेंज है कि थोड़ी मोटी होंगी। और ये वाली बुआ का लाइफस्टाइल चेंज करेगी, हाँ ये वाली बुआ लाइफस्टाइल चेंज करेंगी, ये वाली बुआ का कोई रेजोल्यूशन नहीं है, सी इज फॉल फ्री मस्त है ना। और इसके प्लेट से मैंने मुर्गी का एक पीस उठा के ले लिया यहाँ पे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना बुबू, भनिदिनु त सब पहिले सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए ना, और कमेंट्स भी कीजिए हमारा वीडियो कौन अच्छा लगा, कौन सी बुआ आपको बहुत अच्छी लगी बोलिएगा, हाँ ठीक है, हाँ प्लीज बोलिएगा। बाय गाइस, बाय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू बाय। सो गाइस मैं वीडियो को अप कर चुकी थी, लेकिन मेरी ये वाली बुआ ने जी हाँ ये वाला बनाया है, इसको हम लोग कहते हैं गुंदरुक, नहीं गुंदरुक गुंदरुक ये बना होता है आपका मस्टर्ड लीव्स ना, उससे बना होता है, उसको ड्राई करके फर्मेंट करके उसके बाद उसका चटनी बनता है, और ये बहुत ही तीखा है, बहुत ज़्यादा तीखा है, इसमें ना किंग चिली दिया हुआ है, किंग चिली दिया हुआ है, और मूला दिया हुआ है, और मूली दिया हुआ है, बहुत ही टेस्टी है। आपको मैं एक दिन बना के दिखाऊंगी, मैं गुंदरुक भी इनसे लेके जाऊंगी बना के खिलाऊंगी। और मेरा छाव कैसा था बोलिए आप लोग, अच्छा था ना छाव, अच्छा था ना, मैंने इनको भी टेस्ट कराया मेरा छाव। सो गाइस अब मैं इसे आगे नहीं जाऊंगी, मैंने कितने बार दिन में आज सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया है, मैं अपना वीडियो बंद ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरी बुआ लोग का इतना इंटरेस्ट है मैं क्या करूँ ना।
सो मेरी बुआ लोग खा के उठ चुकी थी, लेकिन मैं स्टिल अभी मैं बहुत स्लो खाती हूँ। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे छोटा भाई आया, वो लाइक कज़न ब्रदर आया, वो खाना खाने लगा, तो उसने कढ़ाई में खाना खा लिया उसने लास्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ग्रेवियाँ लगी हुई थी, उसे वो छोड़ना नहीं था। और मैं उससे टीज़ कर रही थी कि तुम्हारी शादी जब होगी ना, तो तुम्हारी शादी में बहुत सारा बारिश होगा, यू नो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि कढ़ाई में जो खाना खाता है उसकी शादी में बारिश है। तो मैंने बुआ को यही बोला कि उसकी शादी का थीम जो होगा ना, वो छतरी रखना पड़ेगा। तो गाइस अभी इतना ही, और ज़्यादा नहीं, मैं कितने बार बोल चुकी हूँ मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, आप लोगों को छोड़ने का मन ही नहीं करता। बाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ऑटो वाले भैया मस्त चलाओ, हाँ तब बाय बाय टाटा।